इसे कहते हैं बहरूपिया। फोटो निकाल के देख लेना गूगल से, कभी सींग लग रहे होंगे, कभी कुछ लग रहे होंगे, कभी कुछ लग रहे होंगे। ड्रम किसने बजाया? ये कौन करता है? ये कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? बताओ कौन कर रहा था? आप बताइए। मोदी मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है। प्रधानमंत्री का काम ड्रम बजाना या इशारे करना, प्रधानमंत्री का काम है काम करना। अनपढ़ आदमी को अगर गद्दी पे बैठाओगे तो ऐसा ही सुनोगे। 3.5 लाख की आबादी वाला एक देश हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना देता है और इनकी औकात नहीं कि उससे बात कर ले। आपका दलाल मीडिया रोज तो बता रहा, रोज तो टीवी पे उछल कूद कर रहा, और इससे ज्यादा क्या पता? पैसे लेते हैं, दलाली करते हैं, और क्या है, यही तो दलाल मीडिया कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से आत्मनिर्भर बनता है, तो संसद का प्राइवेट करो ना, इसे भी आत्मनिर्भर करो। संसद कब आत्मनिर्भर बनेगी ये आप मुझे बता दो, पूछ के बता देना मोदी से। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरेंद्र ताऊ, किसान नेता। बीते दिनों से फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और अब 57 इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ आ गई हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई हैं, और 12 नवंबर को मीटिंग होने वाली है, और आज जो है 2+2 की भी मीटिंग होने वाली है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मीटिंगें तो रोज़ चलती हैं, मीटिंगों के बारे में क्या कहना, जब जनता को यही पता नहीं है तो मीटिंग में एजेंडा क्या है? मीटिंग में इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठने वाला है। मुद्दा तो उठेगा, बात क्या है? क्या मुद्दा है? कि हम उसकी मदद करेंगे या हम उसकी खिलाफत करेंगे, ये कुछ बताएंगे नहीं। क्या हमने किया ये वो बताएंगे नहीं, तो जनता क्या जाने। ये कुछ नहीं है, ये जनता के पैसे की बर्बादी है, बाकी कुछ नहीं है। क्या मीटिंग होनी है 2x2 की? क्या मीटिंग होती है? उसमें फैसला लिया जाएगा ना इसराइल और फिलिस्तीन में क्या होने चल रहा है, जो भी दिनों से युद्ध चल रहा है महिलाओं और बच्चों के साथ जो हो रहा है। ओ, ये तो ये बता रहे ना, आपका दलाल मीडिया रोज तो बता रहा, रोज तो टीवी पे उछल कूद कर रहा, और इससे ज्यादा क्या पता? इनको पता नहीं है, दलाल मीडिया है वो। अब दलाल मीडिया कैसे दलाल है? कैसे? पैसे लेते हैं, दलाली करते हैं, और क्या है, यही तो दलाल मीडिया कहते हैं। वो इसराइल जाके इसराइल में जो चीजें हो रही हैं वो सब दिखा रहा है वो। पत्रकारों का काम होता है युद्ध कवर करना, और अगर युद्ध कवर करोगे तो 2 माई से दिखाना पड़ता है, और जब 1 माई से दिखाओगे तो आप स्पॉन्सर्ड हो जाओगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी जो 57 देशों की जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या लग रहा है, इसराइल का खात्मा हो जाएगा? देखिए, हम तो रोज सुनते थे कि पाकिस्तान भुखमरी में मर लिया, 15 दिन का राशन है, 10 दिन का राशन है, 5 दिन का राशन है, जब से छोटे से तब से सुनते आ रहे हैं, उसका वो राशन ही ख़त्म नहीं हो रहा 10 दिन का, और दलाल मीडिया आज भी तुम्हें दिखा देगा कि वहाँ तो ख़त्म हो लिया और फलाना हो लिया। तो ये देशों की अपनी बात है, और क्या उन 57-55 जो भी तुम देश बता रहे हो उनकी मीटिंग होगी? आपने कैसे आइडिया लगा लिया कि उनकी मीटिंग का एजेंडा क्या है? उन्होंने एजेंडा जारी थोड़ा ही किया, लेकिन क्या होता है, यही तो है। लेकिन कहा जा रहा है ना वो फिलिस्तीन के साथ कह कौन रहा है, सबसे बड़ी बात है कह कौन रहा है। हाँ। मणिपुर कोई नहीं बोल रहा। हाँ। है देश की हालात पे कोई नहीं बोल रहा। हाँ। देश के गरीबी पे कोई नहीं बोल रहा, देश की भुखमरी पे कोई नहीं बोल रहा, देश के बेरोजगारी पे कोई नहीं बोल रहा, कर तो रहे हैं बात, मोदी जी बात कर तो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करिए एक बता दो। रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दिया है। रोज कहाँ दिया 2 करोड़ रोजगार? आज तक दिया हो तो बताओ किस विभाग में दिया है। जिन विभागों में रोजगार जाता था वो विभाग तो ये बेच चुका, तो रोजगार देगा कहाँ से? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है अब उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन करने से आत्मनिर्भर बनता है? हैं, तो संसद का प्राइवेट करो ना, इसे भी आत्मनिर्भर करो। संसद कब आत्मनिर्भर बनेगी ये आप मुझे बता दो, पूछ के बता देना मोदी से अगर मुलाकात हो जाए कभी। लेकिन मणिपुर भी तो अब कम हो गया है, उसमें जितना कहा जा रहा था कि 7 महीने से जल रहा है, अब तो कम ही दिखाई है ना। किस कौन दिखा रहा, घर बैठ के तुम कुछ भी दिखा दो, वहाँ कौन गया? एक पत्रकार कोई गया हो या सरकार का कोई नुमाइंदा गया हो तो जाओगे? हो नहीं, घर बैठ के तुम कुछ भी दिखा दो। फिर वही मेरी बात आती है, कलम मोदी जी ने मणिपुर में भी तो बोला था ना। क्या बोला था? बोले थे वो मणिपुर को लेके, शरम आई, अफसोस जताया था। अफसोस जताने से, अफसोस तो मैं भी जता रहा हूँ, मेरे अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हारे हाथ में पावर है और अगर तुम उस पावर से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उस पावर को रखने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, गद्दी छोड़ने का अधिकार है। फिर तो गद्दी छोड़ दे मोदी जी। और जब तुम कार्य सही नहीं करोगे तो छोड़ो। इतने साल से वो सत्ता में है, जनता खुश है तभी तो चुन रही है उन्हें। वो कौन कह रहा सत्ता खुश है? जनता खुश है तभी चुन रही है ना। कैसे खुश है ये बता दो ना। इतने काम किए हैं मोदी जी ने। पांच काम आप बता दो। पांच काम आप मुझे पांच नुकसान बता दीजिए ना, क्या हो रहा है बताऊं? किसान क्या 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान MSP ना देने से हो रहा है। ठीक, देश की सेना कमजोर कर दी गई अग्निवीर ला करके, ये नुकसान हो रहा है। देश का सबसे देश जो है दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगारी में सबसे बड़ा देश बन चुका है, ये हो रहा है। देश भुखमरी में 120 देश में 111वें नंबर पर देश चला गया, ये हो रहा है। देश की इकोनॉमी गड्ढे में चली गई है और देश जो 67 साल में पिछली सरकारें नहीं कर पाई उससे ज़्यादा कर्जा देश पर हो गया है और देश के सारे संस्थान मोदी ने बेच दिए। और बता कौन सी बताओ? ये देखिए ना, अब तुम बता रहे हो तो तुम मुझे पांच फायदे बता दो, कौन से उसने काम किए हैं? आप ये बताइए ना, विश्व नेता बन गए हैं, वो डंका बज रहा है उनका विदेशों में। कौन गया देखने? कौन गया? वो 3.5 लाख की आबादी वाला एक देश हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना देता है और इनकी औकात नहीं कि उससे बात कर ले। 3.5 लाख हिंदुस्तान के अंदर 3.5 लाख आबादी से ज़्यादा एक विधानसभा होती है और उस 3.5 लाख की आबादी वाले देश ने हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। क्या मोदी उस पर बोला? मोदी विकास करने में व्यस्त है ना, विकास कर रहे हैं देश का। 10 साल में कितना बड़ा विकास हो गया मुझे बता दो। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, हिंदुस्तान का एक स्मार्ट सिटी। भारत चांद पे पहुंच चुका है। भारत तो यही है, चांद पे कौन गया? वो मोदी ने करा, वो तो वैज्ञानिक है, यही तो है। दूसरे के शिला पट पर अपना नाम लिखना, इसे कहते हैं बहरूपिया। बहरूपिया थोड़ी ना है मोदी जी। और आपने देखा होगा उसकी कभी भी फोटो निकाल के देख लेना गूगल से, कभी सींग लग रहे होंगे, कभी कुछ लग रहे होंगे, कभी कुछ लग रहे होंगे। लोग तो कुछ भी बना देते हैं, उनका काम है यही है। ड्रम किसने बजाया? ये कौन करता है? ये कौन कर रहा था? कौन कर रहा? बताओ कौन कर रहा था? आप बताइए। मोदी? मोदी कर रहे थे। हाँ, क्यों कर रहे थे? हाँ, क्यों कर रहे थे? मैं मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है मोदी को। हाँ, वो मेंटली डिस्टर्ब है मोदी जी। प्रधानमंत्री का काम ड्रम बजाना या इशारे करना, प्रधानमंत्री का काम है काम करना। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे कर रहे हैं। और जो आदमी 600 करोड़ लोगों की वोट मांग सकता है, जिस व्यक्ति को 600 करोड़ लोगों ने वोट दियो, क्या हिंदुस्तान में 600 करोड़ लोग हैं? ये देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, जवाब दो। आप बताइए ना। नहीं, मैं क्या बताऊंगा? हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री का काम है वोट मांगना, तो मांग रहे हैं वो वोट। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लाए थे। पटाओ वो शब्द है, मैं वीडियो दे दूंगा बेटे आपको भी। ये उनका शब्द है। और देश का गृह मंत्री 19 में से हमें 27 दी थी और इस बार 19 में से 28 दे देना, तो ये कौन पढ़ रहा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 46 में से 56 एक ही बिरादरी के बनवा देता और कागज देता नहीं, तो क्या कहोगे इन्हें? ये देश के राजनेता होगा, तभी तो कहते हैं अनपढ़ आदमी को अगर गद्दी पे बैठाओगे तो ऐसा ही सुनोगे, पढ़े लिखों को बैठाओ ताल लगेगी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत भी उनके साथ खड़ी हैं, वो कह रही हैं इनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। अच्छा, एक व्यक्ति ने कह दिया तो आपको अच्छा लग गया? देश की 63% जनता उसे बेवकूफ़ बता रही है, नाकारा बता रही है, वो नहीं है। कहाँ बता रही है? अगर ऐसा होता तो वोट ही नहीं देते ना, वो सत्ता में ही नहीं लाने देते उन्हें। किसको? मोदी को। अच्छा, तो ये बात है, वोट तो मिलती नहीं,
जीत का सर्टिफिकेट मिलता है इनको। अच्छा। जनता वोट नहीं दे रही तो इन... कौन दे रहा है वोट? जीत का सर्टिफिकेट DM SSP दे रहे हैं। हाँ तो फिर क्या कहेंगे फिर अब 2024 में फिर किसको देख रहे हैं अब? जनता को। जनता को, जनता ही तो करती है। हाँ। इस देश में जनता सर्वोपरि है और जनता ही लाएगी। हाँ। किसको लाएगी जनता? बदलाव ला रही है। बदलाव कौन होगा फिर? क्या अगला प्रधानमंत्री? जब 543 सीटों का चुनाव हो जाएगा, जो 543 सांसद बनेंगे वो चुनेंगे प्रधानमंत्री, तब बताएंगे प्रधानमंत्री कौन होगा। पहले से किसको पता? पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना लाल किले पे झंडा फहराएंगे वो। इस बहरूपिये को ये पूछो कि अगर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो तो मोदी, MLA का चुनाव हो तो मोदी, MP का चुनाव हो तो मोदी, ये किस किस चीज पे बनेगा? तो इसका मतलब इसमें सारे नाकारा हैं, सारे नाकारा लोग हैं, बस यही एक अकलमंद बैठा है। अच्छा है? तो मोदी जी तो है ना प्रधानमंत्री हैं तो अकलमंद होंगे ही ना। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा। हाँ। वहाँ पूछा तुमने BJP से कि तेरा मुख्यमंत्री का नाम कौन है? पूछ क्या उनसे, अपना बताएंगे नहीं, तुम पे सवाल खड़ा करेंगे, यही तो गड़बड़ है। ठीक है, शुक्रिया। तो हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से जवाब दिए हैं। आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहें जनता वाला।